नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। हरियाणा में फैली हिंसा में अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है, 116 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोग हिरासत में हैं, लेकिन अभी तक हरियाणा पुलिस ये पता नहीं लगा पाई है कि हिंसा भड़काया किसने है, हिंसा के गुनहगार आखिरकार कौन कौन है। उधर हिंसा की तपिश दूसरे इलाकों तक कैसे पहुंची है, इस हिंसा में खट्टर सरकार और उनका प्रशासन कैसे जिम्मेदार है, देखते हैं इसकी पड़ताल। हरियाणा को हिंसा की आग में झोंकने का कौन जिम्मेदार, आखिर किसकी नाकामी से सुलगा मेवा, वक्त पर उपद्रव क्यों नहीं रोक पाई खट्टर सरकार। विवाद के ये ऐसे सुलगते सवाल हैं जिनकी आज हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार के दामन तक पहुंच रही है। क्या नूह को दंगे में झोंकने से रोका जा सकता था, क्या नूह की आग को आसपास के जिलों में फैलने से रोका जा सकता था। आज उन चेहरों की पहचान करेंगे जिनके जिम्मे हिंसा को रोकना था। बताएंगे कि जब सड़कों पर अराजक भीड़ आगजनी कर रही थी, पत्थरबाजी कर रही थी, तोड़फोड़ कर रही थी, हथियार लहरा रही थी, तब ये अफसर, ये नेता क्या कर रहे थे। जलाभिषेक यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद नूह में अब हालात सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम नूह चौक पर ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं अभी भी प्रशासन की तरफ से जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसकी तैनाती यहां पर की गई है। अभी भी आप देखिए सन्नाटा जरूर पसरा हुआ है, दुकानें बंद हैं, धारा 144 लगी हुई है, इंटरनेट सस्पेंड है, पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती है। लेकिन पहले उन चेहरों की पहचान कर लीजिए जो कानून व्यवस्था के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। मनोहर लाल खट्टर सीएम हरियाणा, अनिल विज गृह मंत्री हरियाणा, पीके अग्रवाल डीजीपी हरियाणा, ममता सिंह एडीजीपी कानून व्यवस्था, एम रवि किरण एडीजीपी साउथ रेंज, वरुण सिंगला एसपी नू, 6 डीएसपी नू और आखिर में नू के अलग अलग थानों के एसएचओ। इतना बड़ा सरकारी तामझाम, इतना बड़ा इंतजाम, लेकिन फिर भी हिंसा को रोक नहीं पाए, उपद्रवियों को कंट्रोल नहीं कर पाए। तस्वीरें आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, नू का ये वही इलाका है जहां से ये हिंसा भड़कना शुरू हुई थी। पीछे इसी प्रशासन की सख्ती के पीछे प्रमाण आपको नजर आएगा, ये हरियाणा पुलिस का है कि चौकी का एक बैरक है और वो पूरी तरीके से जला हुआ नजर आ रहा है। कुछ इसी तरीके से यहां पर हिंसा भड़की थी, नू में हिंसा की जो आग सुलगी वो आसपास के कई इलाकों को झुलसा गई। रेवाड़ी से लेकर गुरुग्राम तक तबाही मचाती गई। दिन दहाड़े हिंसा का नंगा नाच होता रहा और खट्टर सरकार सोती रही, पुलिस वाले देखते रह गए, सारा सरकारी तंत्र मानो उपद्रवियों के आगे घुटने टेक गया। आदमी जिंदा मर जाए जब आएगा ये एसपी। नूह में जिस दिन हिंसा भड़क उठी उस दिन नूह के एसपी छुट्टी पर थे। नरेंद्र बिजाड़निया नूह के कार्यकारी एसपी के तौर पर काम कर रहे थे। कहीं एक पर्टिकुलर जगह इतनी बड़ी मात्रा में हिंसा हो जाएगी उसका पूर्वानुमान लगाना हर किसी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करके जितने भी शामिल हैं बाई नेम जिनके एफआईआर है उनके बाई नेम करी है और जिनके खिलाफ भी आइडेंटिफिकेशन वीडियो फुटेज के बेसिस पर है उनके बेसिस पे वीडियो के बेसिस पे कार्रवाई की जा रही है। कुल 41 एफआईआर दर्ज की गई है विभिन्न मामलों में और मुख्यतः 4 थानों के अंदर ये एफआईआर दर्ज हुई है और कुल अब तक 116 लोगों की क्रमाफिसाई जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसके ऊपर गिरफ्तारियां हुई हैं। 31 जुलाई को हिंसा की शुरुआत हुई नूह सिटी थाना क्षेत्र से, उसके बाद उस उपद्रव ने नूह सदर थाना क्षेत्र को भी अपनी चपेट में ले लिया। इन दोनों इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दोनों थानों के एसएचओ पर थी। इनमें एक है ओम वीर एसएचओ सिटी थाना नू, किशन कुमार एसएचओ सदर थाना नू। लेकिन ये दोनों थानेदार हालात संभाल नहीं पाए, साइबर क्राइम का थाना तक उपद्रव की चपेट में आ गया। अपनी नाकामी स्वीकार करने की बजाय अब हरियाणा सरकार के मुखिया मनोहर लाल खट्टर
क्या कह रहे हैं जरा वो सुन लीजिए। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती है, न आर्मी कर सकती है, न आप और हम कर सकते। सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है। लूह जलता रहा, हिंसा फैलती रही और सीएम खट्टर साहब ने जिम्मेदारी लेने की बजाय हाथ खड़े कर दिए। अपनी जिम्मेदारी से पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं खट्टर? क्या नूह हिंसा खट्टर सरकार की फेल्योर नहीं? हरियाणा की हिंसा भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा के सरकार द्वारा मैन्युफैक्चर्ड हिंसा है। इसका बाकायदा इंटेलिजेंस इनपुट खट्टर सरकार के पास था, तो खट्टर सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? खट्टर साहब तो कल तक इस हिंसा के पीछे किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन खुद उन्हीं के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी के केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने जो कहा, उससे खट्टर सरकार ही सवालों के घेरे में आ गई। ऐसा घटनाक्रम आज तक हरियाणा के इतिहास में नहीं। जिन लोगों ने भी इसको एग्रीगेट किया है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी संबंधित हो, उन सबके खिलाफ सख्त से सख्त। कभी भी मेवात के अंदर इस तरह की हरकत नहीं देखी गई। जब से हमको आज़ादी मिली है, जब से पार्टीशन हुई है 47 के अंदर, उसके बाद पहली बार नू के अंदर इस तरह के दंगे देखे गए हैं। एक दूसरे के गले के ऊपर जो ये अटैक होने लग रहे हैं, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण हैं और पूरी तरह से हमारी सरकार इस चीज़ से अवगत है कि हमको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करानी पड़ेगी ताकि इस तरह की हरकत आइंदा फिर ना हो। तो खट्टर कुछ और कह रहे हैं और उनके डिप्टी कुछ और, बीजेपी के सांसद कुछ और कह रहे हैं। जरा इन बयानों का विरोधाभास देखिए। सीएम खट्टर ने कहा, नूह की हिंसा किसी बड़ी साजिश का नतीजा है, तो उनके गृह मंत्री अनिल विज बोले, ये सब अकस्मात हुआ, किसी ने इंजीनियरिंग की है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं, यात्रा आयोजकों ने प्रशासन को पूरी जानकारी नहीं दी। तो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं, धार्मिक यात्रा में लाठी डंडे तलवार लेकर क्यों निकले? वहीं बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल कह रही है कि नूह की हिंसा प्रशासन की नाकामी का नतीजा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है वहाँ, जो नहीं होनी चाहिए उस इलाके में। तो 1947 में भी कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये सरकार विफल सरकार है और ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार है ही नहीं। हर आदमी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है हरियाणा में। नूह में ही अगर उपद्रव होने से थाम लिया जाता तो आज हरियाणा के दूसरे हिस्सों तक नहीं पहुंचती, ना नूह में कर्फ्यू की नौबत आती, ना ही हरियाणा के 8 शहरों में धारा 144 की नौबत आती। लेकिन आग नूह में लगी और उसने आसपास सभी को झुलसा दिया। गुरुग्राम में जो हिंसा हो रही है, ये जगह उसी बात की तस्दीक कर रही है। हालांकि अभी हालात सामान्य हैं, लेकिन जो बीती रात बादशाहपुर में जो आगजनी की खबरें आई थी, मैं वहीं पर खड़ा हूं। देखिए कैसे आगजनी की गई है। ये पूरा इलाका है, यहां पर देखिए फ्रिज जो है ये यहां पर टूटा पड़ा है और यहां आग लगा दी गई है। यहां से वहां तक आप देखेंगे, आपको सिर्फ आग के निशान दिखाई देंगे। अकेले नूह के 4 थानों में ही इस हिंसा को लेकर 41 FIR दर्ज कराई गई। करीब 125 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई, लेकिन अब तक पुलिस ये पता नहीं लगा पाई है कि साजिश का सूत्रधार कौन है। इसीलिए सीएम मनोहर लाल खट्टर और उनकी सरकार कटघरे में है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।